कैसी लगी आपको ये मूवी? अच्छी अच्छी लगी। सबसे अच्छा कौन लगा? सबसे अच्छा पठान। पठान अच्छा लगा? पठान आपको कैसी लगी? जी पठान बहुत अच्छी मूवी है, अच्छी जाएगी, अच्छी जा रही है। आपका क्या नाम है? बहुत अच्छी है अनिल। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी। अच्छी है भाई, आप बोलना चाहोगे कोई? सर कैसी लगी मूवी आपको? सर फैंटास्टिक मूवी थी, बॉलीवुड बॉलीवुड है। सबसे अच्छा क्या लगा आपको उस मूवी में? सर एंट्री सलमान खान की। सलमान खान की सर? क्या एंट्री सलमान खान की? सर जब मतलब वो आते हैं भाई, जब आते हैं उसकी हेल्प करने शाहरुख भाई की। चार साल के बाद सलमान शाहरुख खान की मूवी आई है, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन सबसे बढ़िया इसमें है कि विलन भी बहुत ही अच्छा रोल करता है, चाहे विलन बहुत ही कूटता है उसको, मजा आया दोनों में। उसके बावजूद लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छी अच्छी मूवी, बिल्कुल अच्छी मूवी है। मैम आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम? अंजना। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? शाहरुख खान जॉन इब्राहिम का लगी बहुत ही अच्छी। सबसे खास क्या लगा आपको? सबसे खराब पठान। पठान पठान भाई जान अलग याद, बहुत बढ़िया मूवी है ये। आपको ये मूवी जबरदस्त? मैम आपको कैसी लगी? जबरदस्त एकदम, हिट जाएगी फिल्म ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चार साल के बाद शाहरुख खान ने सिद्धार्थ आनंद की फिल्म पठान में अपनी ज़ोरदार वापसी की। हालांकि पठान की अगर मैं बात करूं तो पिछले लंबे समय से इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा विरोध चल रहा था, लेकिन इस विरोध के बाद जो शाहरुख खान के फैंस हैं वो लगातार सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं। पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है पठान मूवी ने, लोग जो है वो बेहद पसंद कर रहे हैं। और इस मूवी में आपको शाहरुख खान के साथ साथ सलमान खान भी आपको नजर आएंगे, कि लंबे अरसे के बाद दोनों किंग जो हैं वो आपको एक ही मूवी में नज़र आएंगे। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मूवी का विरोध भी कर रहे थे, लेकिन विरोध के बावजूद लोग जो हैं वो पठान को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो चलिए जो शाहरुख खान के फैंस हैं उनसे रिव्यूज़ लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उन्हें ये मूवी जो है वो क्यों पसंद आ रही है। शाहरुख खान के जो फैंस हैं उनसे बातचीत करेंगे। पठान मूवी आप देखकर आए हो, कैसी लगी आपको ये मूवी? सर पहली बात तो देखिए, मैं शाहरुख खान का फ़ैन नहीं हूँ। अच्छा। मेरा जो ये मूवी देखने का मोटिव था वो ये था कि इसमें जो बताया हुआ है कि मतलब हिंदुओं के अगेंस्ट जो भी हमने सुना था, जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे जम्मू कश्मीर में, तो मैं स्पेशली ये मूवी इस चीज़ के लिए देखने आया था कि मैं आके इस मूवी को देखूँ, इसमें पता चले कि इसमें क्या है, कि हमारे हिंदुओं के साथ क्या भेदभाव किया है। इसमें देखिए दीपिका पादुकोण की चीज़ जो है उनकी एक ही चीज़ गलत लगी है, जो उन्होंने भगवा रंग पहन के मतलब एक गाना किया हुआ बिकनी में, वो तो मतलब हमारे लिए बहुत ही एक शर्मनाक वाक्य है। ऐसा कुछ दिखाया हुआ? बिल्कुल 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 बताया हुआ है, वो हमने देखी। मैं यही चीज़ देखने के लिए यहाँ पे आया था, बाकी मुझे कोई शौक नहीं है शाहरुख खान की मूवी देखने का, ठीक है। बस ये चीज़ थी कि मुझे यहाँ पे आके देखना था कि इस मूवी में क्या ऐसा है, वो तो हमने अपनी आंखों से देख लिया। वो तो सरासर ये चीज़ गलत है कि जो उन्होंने एक भगवा रंग पहन के एक बिकनी में रोल किया है, वो तो सीधा सीधा हमारी हिंदुओं की आस्था के साथ। लोग तो काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस मूवी का, हाउसफुल जा रहे लगा। देखिए वो अपना अपना एक लोगों का सर सोच है, ठीक है, वो कि किस सोच से ये मूवी देखने आ रहे हैं। जो मेरी सोच थी, जो मैं ये मूवी देखने के लिए आया था, मैंने आपको बता दिया कि मैं सिर्फ ये जांचने के लिए आया था कि आखिरकार इस मूवी में कुछ ऐसा बताया है, तो वो तो सीधा सो मैंने आपको बता दिया जो है। अच्छा अच्छी चीज़ आपने कही, तो लोग जो है वो लगातार बाहर आ रहे हैं मूवी को देख के। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस मूवी का विरोध भी किया था, लेकिन आज जिस तरह से पठान मूवी की अगर मैं बात करूँ तो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट जो है ये मूवी जा रही है, लेकिन कई बार इसका विरोध भी किया गया, उस फिल्म को बैन करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद जो है वो उस मूवी को कर रहे हैं। कुछ और भी युवा यहाँ पर, इनसे बातचीत करने का यहाँ पर प्रयास करूँगा। सर आप देख कर आए हैं मूवी? आप नहीं, अभी देखने जाना है। अभी देखने जाना है जी। तो इस पठान का विरोध भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, उसके बावजूद भी आप देखने जा रहे हैं मूवी? विरोध हो रहा तो होने दो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं 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 नहीं। अच्छा आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद नौमान। आप शाहरुख खान के फ़ैन? आप? हाँ जी हाँ जी। आपने मूवी देखी है अभी यहाँ पे देखना? नहीं अभी देखी नहीं, अभी टिकट बुक कराया, अभी जाना है। अच्छा। 7:45 का शो है हमारा। 7:45 का शो है? हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस पे तो हिट जा रही है मूवी ये वाली? तो हिट होगी, हिट होगी, बिल्कुल हिट होगी। तो जितने भी शाहरुख खान के जो फैंस हैं उन्हें ये उम्मीद है। हाँ जी सुपर हिट है मूवी, तो मूवी तो हिट है, हिट होगी पक्का। कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी बातचीत यहाँ पर करने, फैमिली के साथ ही मूवी देखने हैं। मैम आपका नाम जानना चाहूँगा। मैम आपका? ईशा। ईशा जी कैसी लगी आपको ये मूवी? अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। सब कुछ ठीक बताया? हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है बिल्कुल। और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करने का यहाँ पर मैं प्रयास करूँगा, जो मूवीज देख कर यहाँ पर आ रहे हैं उनसे बातचीत करूँगा। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मौसम। सर कैसी लगी आपको ये मूवी? अच्छी बहुत है, वो चल रहा था उसका, उसके बावजूद लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छी अच्छी मूवी है, बिल्कुल अच्छी मूवी है। मैम आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? अंजना। कैसी लगी आपको ये? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? शाहरुख खान जॉन इब्राहिम का। 4 साल के बाद शाहरुख खान ने जो है वो वापसी की, 4 साल के बाद कमबैक किया है। सबसे खास क्या लगा आपको?
सबों ने अच्छी एक्टिंग की। आपको कैसी लगी मूवी? अच्छी। सबसे खास क्या लगा आपको उस मूवी में? सबने अच्छी एक्टिंग की, अच्छी एक्टिंग की है। तो बिल्कुल शाहरुख खान की एक्टिंग को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? विक्की कुमार। कैसे लगी आपको ये मूवी? जबरदस्त लगी, बहुत ही अच्छी। सबसे खास क्या लगा आपको? सबसे खास पठान। पठान, पठान भाई जान। अलग याद है पठान मूवी का? कोई पठान मूवी डायलॉग तो फिलहाल कोई नहीं, खो गए साहब पठान की मूवी में। बस जॉन अब्राहम की मूवी अच्छी है। सलमान खान का भी रोल है इसमें। सलमान खान के भी वो तो जबरदस्त है, लेकिन जो जो वो है ना जॉन अब्राहम, उसकी डायलॉग अच्छा, ये रोल किया विलन का बहुत अच्छा किया वो उसने। हाँ, लेकिन शाहरुख खान के चलो पठान तो है, लेकिन वो विलन है, लेकिन जो जॉन अब्राहम है ना उसने विलन अच्छा की। अच्छा अच्छा रोल किया है। अच्छा, और भी लोग आप कहना चाहोगे उस मूवी को लेकर? बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है। और भी लोगों से बातचीत करें। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। करण। सर कैसी लगी आपको ये मूवी? जबरदस्त। मैम आपको कैसी लगी मूवी? जबरदस्त एकदम, हिट जाएगी फिल्म? बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसके विरोध के बावजूद भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद की है इस मूवी को। लोग अपनी फैमिली के साथ जो है मूवी। मैं आपका नाम क्या है बेटा? आयत। कैसी लगी आपको ये मूवी? अच्छी अच्छी लगी। सबसे अच्छा कौन लगा? सबसे अच्छा पठान। पठान अच्छा लगा? पठान आपको कैसी लगी? जी पठान बहुत अच्छी मूवी है, अच्छी जाएगी, अच्छी जा रही है। आपका क्या नाम है? बहुत अच्छी है। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी। अच्छी है भाई, आप बोलना चाहोगे कोई? सर कैसी लगी मूवी आपको? सर फैंटास्टिक मूवी थी, बॉलीवुड बॉलीवुड है। सबसे अच्छा क्या लगा आपको उस मूवी में? सर एंट्री सलमान खान की। सलमान खान की सर? क्या एंट्री सलमान खान की? सर जब मतलब वो आते हैं भाई, जब आते हैं उसकी हेल्प करने शाहरुख भाई की, 4 साल के बाद सलमान शाहरुख खान की मूवी आई है, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन सबसे बढ़िया इसमें है कि विलन भी बहुत ही अच्छा रोल करता है, चाहे विलन बहुत ही कूटता है उसको, मजा आया दोनों में। आप कहना चाहोगे इस मूवी के बारे में? तो फिल्म तो स्टोरी तो कुछ नहीं। अच्छा। स्टोरी कमजोरी है। अच्छा, अच्छा क्या लगा आपको? फाइट फाइट। आपको कैसी लगी मूवी? मैं बहुत अच्छी थी। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? सर आपको कैसी लगी ये पठान मूवी? जो आप बोलोगे कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? शाहरुख खान सबसे अच्छा लगा। और शाहरुख खान के फैंस की अगर बात करो तो पूरे देश भर में, दुनिया भर में शाहरुख खान के काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं। और 4 सालों के बाद शाहरुख खान ने जो है वो पठान मूवी में वापसी की है, और पहले दिन ही जम्मू कश्मीर के जितने भी सिनेमाघर हैं तो हाउसफुल गए हैं। और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म जो है, जो मूवी जो है वो ब्लॉकबस्टर जाएगी, क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस मूवी को। और इस मूवी का विरोध भी कई लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन लोगों ने उस विरोध को दरकिनार किया है और पठान मूवी को देखने के लिए लोगों का सैलाब जो है वो सिनेमाघरों में देखा जा रहा है। बन रहे पब्लिश के साथ, धन्यवाद।